स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। एक स्टील के एक रॉड का डायमीटर 10 mm तथा लंबाई 600 mm है। इसके दोनों सिरों पर 6.8 kN का एक एक्सियल टेंसाइल लोड लगता है। यदि ई इलास्टिक कांस्टेंट है 210 kN/mm², तो छड़ की लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल फाइंड आउट करना है। देखिए ये फिगर है, ये रॉड है, दोनों ओर टेंसाइल फोर्स लग रहा है 6.8 kN का, ठीक है। डायमीटर 10 mm है और इसका लेंथ है 600 mm। तो चूंकि आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपान ई। वी नो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपान ई, जहां पे एफ हमको पता है, वेयर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, वेयर एफ इज इक्वल टू 6.8 kN, या इसको हो जाएगा 1000 का गुणा कर देंगे तो 6800 kN हो जाएगा। L है 600 mm, एरिया निकाल लेंगे। अगर डायमीटर दिया है तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, या भाई क्रॉस सेक्शन अगर सर्कुलर है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर है, डायमीटर दिया है 10 mm, एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर या पाई बाई 4d². एंड ए इज इक्वल टू पाई बाई 4d² या पाई बाई 4 × 10 है 10 का स्क्वायर, या पाई बाई 4 × 100 25 हो जाएगा। एरिया निकल के आ जाएगा 25 पाई mm स्क्वायर। ई दिया है 210, ई इज इक्वल टू दिया है 210 kN/mm². 210 kN, kN को हम न्यूटन में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा E इज इक्वल टू 210 × 1000 N/mm². E इज इक्वल टू 2.1 × 10⁵ लिख सकते हैं N/mm². अब सारी वैल्यू हमको मिल गई, F, L, A, E सबका वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो फ्रॉम वन डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ 6800 है, एल है 600, ई ए है 25 पाई इंटू 2.1 × 10⁵। अब देखिए ऊपर 4 0 है, 2 0 2 0, तो 4 0 कट जाएगा, यहाँ 10 बचेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा 68 × 6 / 25 × 2.1 × 10⁵ डेल्टा एल इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2473 mm। दशमलव के बाद 4 स्थानों तक वैल्यू हम लेंगे, 4 पॉइंट तक ये आंसर आ जाएगा, इतनी ही छड़ की लंबाई में वृद्धि होगी, तो आंसर हो जाएगा 0.2473 mm। आई थिंक मेथड आपको समझ में आ गया होगा। डेल्टा एल इजिकल टू एफ एल अपान ई होता है, एफ दिया है 6.8 kN, इसको न्यूटन में चेंज कर लेंगे, एल इजिकल टू 600 दिया है, ए डायमीटर दिया है क्रॉस सेक्शन का, तो एरिया हो जाता है पाई बाई 4d², वहां से ए निकल जाएगा, ई दिया है 210 kN/mm², इसको गुणा कर देंगे न्यूटन में, हो जाएगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर इजिली मिल जाएगा। अगर आपको कहीं अभी भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने जान पहचान के लोगों और मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।